जमीन पर डोर टू डोर सर्चिंग चल रही है, आसमान में ड्रोन उड़ाई जा रहे हैं, करीब 10,000 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री के जवान मिशन अमृतपाल में जुटे हैं। लेकिन अमृतपाल अब तक पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, बार बार पंजाब पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रहा है अमृतपाल। तारीख 29 मार्च, ये वो तारीख है जब पंजाब पुलिस अमृतपाल की तलाश में मनेरिया गांव में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। जमीन पर पुलिस के जवान तलाशी ले रहे थे तो आसमान में ड्रोन मंडरा रहे थे। ठीक उसी दिन मनेरिया गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर अमृतपाल और उसका गुर्गा पप्पल प्रीत तपोवन गुरुद्वारा साहिब में मौजूद थे। शाम 6:35 की सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए इस वीडियो में अमृतपाल और पप्पल प्रीत दोनों नजर आए हैं। इसी डेरा साहिब की जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आई है 29 मार्च की, यानी 28 मार्च को इनोवा गाड़ी छोड़कर मनरिया गांव से फरार हुआ था और उसके पास करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर इसी डेरा साहिब की जगह पर जो अमृतपाल है उसका सीसीटीवी सामने आया है। पप्पन प्रीत भी यहां पर इस डेरा साहिब के अंदर टहलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप सीसीटीवी देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये जो पीले रंग के जो ये घेरे बने हुए हैं ये नज़र आ रही होंगी और यही पेड़ नज़र आ रहे हैं और यहीं पर से जो टहल कर आगे बढ़ता हुआ अमृतपाल और एक दूसरी सीसीटीवी फुटेज के अंदर पप्पन प्रीत नजर आ रहा। 28 मार्च की रात पंजाब पुलिस ने अमृतपाल का पीछा किया था, तब अमृतपाल मनेरिया गांव में इनोवा छोड़कर फरार हो गया था। अमृतपाल को पकड़ने के लिए पुलिस ने इस इलाके में चप्पे चप्पे पर नाकाबंदी की है, लेकिन अमृतपाल पुलिस से 2 कदम आगे चल रहा है। खुद को बचाने के लिए अमृतपाल ने 28 मार्च को जोगा सिंह को खुद से अलग कर दिया। जोगा सिंह पीलीभीत के अमृतपाल के साथ होशियारपुर तक पहुंचा था। जोगा सिंह को पुलिस ने लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले जोगा सिंह लुधियाना की दुकान में दिखा था। जोगा सिंह की गिरफ्तारी से पुलिस को शातिर अमृतपाल के एक और चाल का पता है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को भटकाने के लिए अमृतपाल ने अपना फोन जोगा सिंह के हवाले कर दिया था ताकि पुलिस को उसकी गलत लोकेशन मिले। पंजाब पुलिस की नजर अब 300 से ज्यादा डेरों पर है। पुलिस के टारगेट पर जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर और बठिंडा के डेरे हैं। पुलिस को शक है कि अमृतपाल इन्हीं डेरों में शरण ले रहा है। फिलहाल तमाम कोशिशों के बाद भी अमृतपाल पुलिस से 2 कदम आगे चल रहा है। पुलिस की पहुंच से दूर ये भगोड़ा अपने वीडियो जारी कर रहा है, पुलिस को चुनौती दे रहा है।